हेलो फ्रेंड, राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो हम अपने चैनल में लेकर के आए एक अच्छी सी रेसिपी जो है दही बड़ा है। मेरा नाम तो आप जानते ही, प्रिया श्रीवास्तव है। तो हम चलते हैं फ्रेंड, हम दही बड़ा बनाते हैं। 4 घंटा हुआ है, मेरे उड़द की दाल है इसको हम भिगो कर रखे हैं। उसके बाद ये देखिए हमारे लहसुन की कलियाँ हैं, करीबन 20 कली है इसमें, देख लीजिए। ये मेरी देखिए जीरा है, करीबन 1 चम्मच, 1 चम्मच मेरा जीरा है फ्रेंड। ये मेरी मिर्ची है, रेड कलर की है। ये फ्रेंड देखिए खाने वाला सोडा है, देखिए। तो फ्रेंड अब पहले इसको हम ग्राइंड करेंगे मिक्सी में डाल करके अच्छे से। इसको मतलब करीबन 10-15 मिनट तक इसको जो है क्या कहते हैं फेटेंगे, फिर जो पकौड़ियाँ इसकी होती बहुत बेस्ट हो, बहुत सॉफ्ट होगी। तो फ्रेंड चलते हैं अब ग्राइंड करने। तो फ्रेंड देखिए हम इसको मिक्सी में डाल लिए हैं, और ये हम आपसे बता रहे हैं कि देखिए 1 चम्मच जीरा है, जो इसमें हम खुद स्वयं डाल करके इसको पीसेंगे, ध्यान दीजिएगा। और लहसुन की जो कली है ये भी इसमें डाल करके हम पीस देंगे। खाने वाला सोडा जो है ये देखिए, इसको भी हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको भी सिर्फ पीसेंगे। तो फ्रेंड चलते हैं ग्राइंड करते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम इसको ग्राइंड करके रखे हैं। अब इसको जैसे हम आपको बताए हैं कि 5 मिनट, 5-10 मिनट तक इसको फेटना है अच्छे ढंग से। अगर आप नहीं फेटोगे तो फिर आपका अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा फ्रेंड मैं ये भी आपसे बताए हैं कि हल्का सा ये देखिए इसे लाल मिर्ची जो है, क्योंकि इसके पहले भी बाद में भी मिर्ची पड़ेगी, इसलिए मिर्ची ज़्यादा मत डालिएगा, तीखा हो जाएगा तो अच्छा नहीं। तो फिर देखिए हम थोड़ा सा, बहुत ज़रा से इसमें हम मिर्ची डालें, ये देखिए कि ज़्यादा जो है तीखा ना हो, तीखा हो जाएगा तो स्वाद खराब हो जाएगा। तो फिर इसको 10 मिनट तक खूब अच्छे ढंग से ऐसे ऐसे करके फेट लेंगे खूब बढ़िया से। ये थोड़ा सा जो है जो टाइट है नॉर्मल हो जाएगा। इसको इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि नमक जो है पहले मत डालिएगा, अगर आप नमक डाल दोगे तो ये जो तुरंत ढीला हो जाए, फिर आपका बड़ा जो है अच्छे से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्रण कीजिएगा। ये देखिए मेरा ये कितना बढ़िया है, ये इसमें अब जाके मैं मेरा 10 मिनट तक हो गया है फ्रेंड। इसको हम थोड़ा सा इसमें नमक मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं ढीला हो जाता है। ये देखिए स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, ज़्यादा नमक मत डालिएगा क्योंकि इसके जो है वो दही दही वाला वो रहेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, देखिए अब डाले हुए हैं नमक, डालते देखिए कैसे ये एकदम नॉर्मल हो गया है, ढीला होता चला जाता है, तो इसलिए ज़्यादा मत डालिएगा आप। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है, हम इसको 10 मिनट तक करीबन फेट दिए हैं, इसमें नमक भी डाल दिए हैं। अब इसकी पकौड़ियाँ बनवाते हैं, फिर चलते हैं फ्रेंड। हाथ में पानी लगा लीजिएगा ऐसे करके थोड़ा से, फिर उसके बाद गोले आकार में जैसे आपको बनाना है, ये देखिए ऐसे से करके, ये देखिए जिस ढंग से आप बनाना चाहते हैं उस ढंग बनाइएगा। ये देखिए हम छोटा छोटा कर रहे हैं, छोटा छोटा अच्छा पीस होता है। जल्दी जल्दी करके इसको बना लीजिए ताकि ये आपका फूल जाएगा। और इसको बना के तलने के बाद 5 मिनट तक इसको पानी में वह जरूर डालिएगा। ये देखिए फ्रेंड, देखिए मेरा कितना बढ़िया कलर आया हुआ है, और देखिए अंदर आप ध्यान दीजिए, देखिए मेरा फूला भी है ये बड़ा। तो ऐसे ही आप बनाइए, इसको धीमे धीमे आँच में करिएगा ताकि अंदर तक अच्छे से ये पक जाए। और देखिए अब मेरा ये हो चुका है, इसको हम अच्छे ढंग से पानी में डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पानी मैंने डाल दिया अपने बड़े को। ये देखिए फ्रेंड, पंजाबी में इसको बड़े कहते हैं,
यूपी में दही बड़ा कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसमें एक चम्मच जीरा हम भूनेंगे। ये देखिए करीबन इसको आराम से ऐसे करके भून लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, इसका जो है पेस्ट बनाना है। ये देखिए हम इसको भिगोने के लिए दही बड़ा अपना पकौड़ी इसमें डाल दिए, फिर इसका पेस्ट बनाते हैं जो इसमें डालेंगे। तो फिर देखिए मेरा जीरा हो चुका है, इसमें जो है पीसी हुई मिर्ची डालेंगे, लाल करेंगे। फिर मेरा ये भी हो चुका है, कढ़ाई गैस बंद कर दें। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा आधा किलो करीबन दही है। ये देखिए मेरे करीबन आधा किलो दही है, इसका हम मसाला बनाते हैं। ये देखिए जो हम बताए थे कि 10 मिनट तक इसको भिगोना है, हमने 10 मिनट में देखिए कितना सॉफ्ट आया। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये देख लीजिए, दाबी बहुत अच्छा है किया है। उसके बाद इसमें हम इसे डालते जाएंगे। ये देखिए सारे ऐसे। तो फ्रेंड देखिए सारा हम दही में डाल दिए हैं, करीबन जितने सारे फूल गए थे इसमें। देखिए ये देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा, काला नमक है ये जो है। ये देखिए काला नमक, इसमें पीसा जो हम आपको दिखाए थे मिर्ची और जीरा, उसको इसमें हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसको ऐसे से मिलाइए, जितना तीखा आप खाना चाहते हैं आप उतना तीखा खाइएगा स्वाद अनुसार। अब थोड़ा सा जो है सामान नमक डालना है, काला नहीं डालना है, हल्का फुल्का। ये देखिए देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया कलर हमारा है, ये आप देखो जो। तो फ्रेंड देखिए मेरा ये हो चुका है, बना चुके हैं। अब इसको चलते सर्व करने के लिए मीठी चटनी के साथ। जिसको मीठी चटनी पसंद हो मीठी चटनी बना ले, और जिसको नहीं पसंद फ्रेंड वैसे भी ये स्वादिष्ट है, इसको ऐसे भी खा सकते हैं खाने के साथ। तो फ्रेंड हम चलते हैं मीठी चटनी के साथ इसे सर्व करते हैं। और फ्रेंड देखिए कितना बढ़िया है, ये देखिए कितना सॉफ्ट आया है। तो इसको चलते खाते हैं। वाह क्या दही बड़ा बनाया है फ्रेंड। तो बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड आज का क्वेश्चन है, मैं एक कंटेनर हूँ बिना ढक्कन वाला चाबी के, मेरे अंदर सुनहरा खजाना है, मैं कौन हूँ? फ्रेंड इसका आंसर कमेंट करके हमको बताइए। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो मेरे इंस्टाग्राम में जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है।